हेलो एवरीवन, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 16th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन परपेंडिकुलरिटी। सो हियर वी गो, लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो याद करिए, क्या पढ़ा था हमने रिजोल्यूशन के बारे में? रिजोल्यूशन इज अ स्प्लिटिंग ए सिंगल फोर्स, है ना, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। बराबर है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में क्या पढ़ा था? इट इज द मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। कंपोजिशन में पढ़ा था हमने रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना, और इसके हमने चार स्टेप्स देखी थी, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, उसके बाद रिजल्टेंट, और उसके बाद फिर एंगल उसका। ठीक है, दीज आर द फोर स्टेप्स इन कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हमने पढ़ा था रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम पढ़ा था। रिजल्टेंट में हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स है जो सेम इफेक्ट क्रिएट करता है जो बाकी सब फोर्सेस ने क्रिएट किया था। इक्विलिब्रियम या ऐसा फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में रखता है। उसके बाद हमने रिलेशन देखा था इक्विलिब्रियम और रिजल्टेंट के बीच में कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड कोलिनियर, और बॉडी ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। आई होप आप सभी ने नोट्स पढ़ी होंगी और अच्छे से याद किया होगा। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर यू आर एबल टू resolve the given forces using non-perpendicularity. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. चलिए दोस्तों, start करते हैं हमारा numericals concept of non-perpendicularity. Okay? तो क्या है ये? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो red color में जो दिख रहा है आपको, this red color is nothing but कोई तो भी हम इसका जहाज या शिप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम शिप बोलते हैं, बराबर है। और ये शिप पानी के अंदर है, और इसे समझ लेते हैं, यहाँ पे एक आदमी है ए नाम का, और यहाँ पे दूसरा आदमी है बी नाम का, जो इनको खींच रहे हैं। ये जो फोर्स है, समझ लेते हैं इसका कुछ तो भी एक फोर्स है, दैट इज 500 न्यूटन का, दिस 500 न्यूटन। तो ए जो है जिसको 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ खींच रहा है, और बी जो है 50 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ खींच रहा है। तो ये जो दोनों एंगल है, इनका एडिशन 90 नहीं है, 90 नहीं, 90 नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, इसलिए ये नॉन परपेंडिकुलरिटी के टॉपिक में आता है। तो हमें ये निकालना है कि ए को कितना फोर्स लग रहा है इसको खींचने के लिए, और बी को कितना फोर्स लग रहा है इसको खींचने के लिए। मतलब हमें दो कंपोनेंट निकालना है, फोर्स 500 के हमें दो कंपोनेंट्स निकालने हैं, F1 एंड F2। तो कैसे निकालेंगे? सो ये जो 500 न्यूटन है इसको हम F कंसिडर करते हैं। अगर हमको फोर्स 1 निकालना है, बराबर है, तो उसका फार्मूला ध्यान में रखना आपने, F साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये फार्मूला ध्यान में रखना है। हम इसको अभी 30 डिग्री को थीटा 1 लेते हैं और 50 डिग्री को थीटा 2 लेते हैं, बराबर है। तो F कितना है आपका? 500 साइन थीटा 2 कितना है आपका? 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 इज हाउ मच? 30 प्लस 50। सो आपको F1 कितना मिलेगा देखिए, F1 इज 388.93 न्यूटन। ओके, दिस इज द F1। मतलब ए को कितना फोर्स लगेगा खींचने के लिए, हम इसको F1 भी ले सकते हैं या FA भी ले सकते हैं, ठीक है, 388.93। F2 अगर हमको निकालना है, मतलब फोर्स को बी को कितना फोर्स लगेगा, तो F साइन 2 है तो 1 लिखना है यहाँ पे, थीटा 1, ओके, डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, सो F कितना है आपके पास? F है आपके पास कितना? 500 साइन ऑफ थीटा 1 कितना था आपके पास?
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 प्लस 50। ओके सो देखिए कितना आता है, तो कितना आता है देखिए 253.85। सो आपको एफ टू की वैल्यू कितनी मिली, 253.85 न्यूटन। सो बी को इतना फोर्स लगेगा खींचने के लिए, समझ में आए। तो चलिए दोस्तों पहला न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से आता है न्यूमेरिकल। रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 175 न्यूटन अलोंग 60 डिग्री एंड 20 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैसे सॉल्व करना है देखिए। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, बराबर है, एक फोर्स दिया है जिसको हम एफ बोलेंगे 175 न्यूटन का। इसको हमें रिजॉल्व करना है, मतलब इसका हमें एफ वन निकालना है जिसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और एक दूसरा एक फोर्स हमें लेना है एफ टू, वो हमें निकालना है और उसका जो एंगल है वो है 20 डिग्री, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे हम, पहले वाले को हर बार थीटा वन लेते जाओ और दूसरे वाले को थीटा टू लेते जाओ, और जो फोर्स दिया है उसको हमें एफ लेना है। हमें अभी एफ वन और एफ टू की वैल्यू निकालनी है। एफ वन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, एफ साइन वन निकालना है तो थीटा टू लगाना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। वैल्यू पुट करिए, एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, फोर्स की वैल्यू 175 साइन ऑफ थीटा टू, थीटा टू कितना है आपका 20, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा वन कितना है आपका 60 प्लस 20। तो आपको फोर्स वन की वैल्यू मिलेगी, करिए कितना आता है 60.77 न्यूटन। तो इसका पहला कंपोनेंट हो जाएगा एफ वन 60.77 न्यूटन। अभी हमें निकालना है एफ टू, एफ टू का फॉर्मूला वैसे एफ साइन टू निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। सो एफ एफ कितना है 175, हाँ साइन ऑफ थीटा वन कितना है 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60 प्लस 20। सो एफ टू इज हाउ मच, करिए कैलकुलेशन कितना आता है, तो इट इज 153.89, कितना 153.89 न्यूटन। ओके सो फोर्स टू, और आपको ध्यान में होगा कि देखो इन दोनों का एडिशन 90 है क्या, नहीं है। सो इट इज द कैटेगरी ऑफ नॉन परपेंडिकुलरिटी। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, नॉन परपेंडिकुलरिटी के न्यूमेरिकल में एक फोर्स दिया जाएगा और दो एंगल दिए जाएंगे, एक फोर्स दिया जाएगा और दो एंगल दिए जाएंगे। ओके चलिए दोस्तों अभी हम हमारा न्यूमेरिकल नंबर दो स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, एक फोर्स दिया 10 किलो न्यूटन का अलोंग 25 डिग्री एंड 45 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब एक जो आपको फोर्स दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, बराबर इधर और यहाँ पे आपको F1 निकालना है जिसका एंगल कितना दिया है आपको 25 डिग्री, और इधर साइड में और एक फोर्स लगेगा दैट इज F2, वो भी हमें निकालना है जिसका एंगल कितना है 45, बराबर। देखिए तो ये जो दोनों एंगल है इनका एडिशन देखिए कितना है, 90 से कम ही चाहिए, बराबर। इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन परपेंडिकुलरिटी। तो हमारे लिए ये फोर्स F हो जाएगा, ये हमारे लिए थीटा वन हो जाएगा, और ये हमारे लिए थीटा टू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, आपको तो फार्मूला पता है एफ वन क्या होता है, एफ साइन वन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टू थीटा टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा वन प्लस
2। ओके, एफ कितना है? 10। 10 किलोन्यूटन है तो 10 किलोन्यूटन में रहने दीजिए। साइन थीटा 2 कितना है आपका? 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25 प्लस 45। सो हाउ मच F1? कैलकुलेट करिए फट से। 10 sin 45 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 25 प्लस 45 हाउ मच? 7.52। कितना है बेटा? 7.52 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स कहाँ पे दिया था हमें? किलो न्यूटन में। तो F1 कितना है हमारा? 7.52 किलो न्यूटन। फिर हम निकालेंगे F2। F2 के लिए क्या फार्मूला है? F साइन थीटा 1, 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। F कितना है हमारा? 10 साइन थीटा 1 कितना है? थीटा 1 इज 25 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 इज हाउ मच? 25 प्लस 45। तो बताइए F2 की वैल्यू कितनी है? 10 साइन 25 डिवाइडेड बाय साइन 25 प्लस 45, 4.49। कितना है बेटा? 4.49 किलो न्यूटन। 4.49 किलो न्यूटन। ओके, सो दीज आर द टू फोर्सेस रिक्वायर्ड। आइए दोस्तों, आज का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी हम थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है। पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन एट 20 डिग्री आइदर साइड ऑफ इट। अरे अभी तो फंस गए हम अभी, क्योंकि सर ने बोला था एक फोर्स और दो थीटा दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक ही थीटा दिया है। हाँ एक ही दिया है, लेकिन पढ़िए क्वेश्चन को। आइदर साइड ऑफ इट मतलब फोर्स के दोनों साइड में। कैसे? देखिए ये फोर्स है हमारा कितना? 500 न्यूटन। इसकी ये एक साइड जिसमें हमें F1 मिलेगा, और जिसकी ये दूसरी साइड जहाँ पे हमें F2 मिलेगा। तो इसके इधर साइड में भी 20 डिग्री और इसके दूसरे साइड में भी 20 डिग्री। तो ये जो 20 है यही आपका थीटा 1 है और यही आपका थीटा 2 है। तो आइदर साइड ऑफ, दोनों साइड में भी कितना डिग्री है? 20-20 डिग्री में कितना F1 रहेगा और कितना F2 रहेगा, हमको ये निकालना है। तो F1 निकालते हैं। हाँ तो यह लग के हमारे 500 फोर्स हो जाएगा F। सो F1 इज F साइन 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। F साइन थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आपका F कितना है? 500 साइन ऑफ थीटा 2 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 प्लस 20। सो F1 इज हाउ मच? कैलकुलेट करिए। 500 साइन ऑफ 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 प्लस 20 कितना? 266.04। 266.04 फोर्स न्यूटन में था, इसलिए यहाँ पे भी F1 की वैल्यू किस में आएगी? न्यूटन में। फिर F2 कैसे निकालेंगे? F2 F2 इज F साइन 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। F की वैल्यू 500 साइन थीटा 1 ऑलवेज हाउ मच? 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 1 भी 20 और थीटा 2 भी 20। तो F2 की वैल्यू भी वही आएगी, 266.04 न्यूटन। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आइदर साइड में दोनों एंगल अगर सेम रहे, दोनों एंगल अगर सेम रहे तो F1 और F2 की वैल्यू सेम आती है। आई होप आप सभी को ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। सो दीज आर द यूनिट आउटकम वी हैव अचीव्ड बाय दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैव सॉल्व 3 to 4 न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन परपेंडिकुलरिटी, and these are the program outcome that we have achieved. So these are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने questions को solve करना है और उसका PDF send करना है. Okay? So thank you very much guys. In next lecture we are going to solve the numericals on law of parallelogram.
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।